नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इराक में मौसल शहर में फंसे 40 युवकों के परिजनों को एसजीपीसी और दिल्ली कमेटी ने दी 60,000 रुपए की राहत राशि। हरियाणा की अलग कमेटी की मांग करने वाले जगदीश जीणा समेत 5 को श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलावा। आज अमृतसर में खालसा कॉलेज के सामने बने शोरूम में लगी आग। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मना, पाकिस्तान से लौटा 195 श्रद्धालुओं का जत्था। अब खबरें विस्तार से। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सालाना बरसी गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में मनाने के बाद कल स्पेशल रेलगाड़ी द्वारा 195 के करीबन सिख श्रद्धालुओं का जत्था भारत के अटारी स्टेशन पर जयकारों की गूंज के साथ स्वदेश लौटा। पाकिस्तान में गर्मी से राहत के लिए वातानुकूल बस द्वारा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करवाए गए थे, जिससे श्रद्धालु बहुत खुश हुए। मैं गुरमीत सिंह बू, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब, और जो सा जत्था सीगा 21 तरीक नूं इत्थों श्री दरबार साहब तो अरदास करन उपरंत महाराजा रणजीत शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाने वास्ते गया सी। सब तो पहला सानू वाघा बॉर्डर से उतों के जोड़े श्राइन बोर्ड के का बोर्ड के मैंबर साहबान ने श्रोमणी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने उन्होंने सानू उत्थे जी आया क्या और बहुत वधिया उन्होंने स्वागत किया। उस तो सीधे सानू श्री ननकाणा साहब उत्थे लै के आए। 3 दिन असं उत्थे रहन उमरन दर्शन मेले किए, फिर गुरद्वारा श्री पंजा साहब हसन अबदाल उत्थे गए। 3 दिन उत्थे दर्शन मेले करने उपरंत असी 27-26 तरीक रात को गुरद्वारा श्री डेरा साहब शहीदों के सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीद पुरब स्थान पर उत्थे आए, और कल जी शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह की बरसी 175वीं वरेगंढ के संबंध में जिन्हें समागम से सारे उत्थे संपूर्ण होए, उन्होंने उत्तर बहुत सानू वधिया सत्कार किया, बहुत जथे का माण किया, जथा बहुत खुश सी। और सब तो वड्डी गल वेखन नूं इह मिली है कि जिहड़ा गुरद्वारा करतारपुर साहब वास्ते गर्मी के सानू एसी बसां दीआं मुहैया कराईआं गईआं, जिस दे विच जथे दे सारे मैंबर साहबान बहुत खुश सन कि गर्मी तो सानू राहत मिली। करमजीत कौर मोगे तो, शहर मोगे तो, हाँ जी बहुत वधिया लगता। इसे तरह परमात्मा संबंध रखाई रखे सिखां दे साडे, उधर उधर मेल हों रहा सिखा का गुरु धाम के असं दर्शन करते रहिए, साढ़ा गुरद्वार जाके दर्शन करके आपके गुरुआ के साथ बहुत मन जाने शांति मिली है। परमात्मा चढ़ती कला च रखे सिख कौम सानू वैसे बहुत वधिया लगा, किसी प्रकार की सानू कोई दिक्कत नहीं आई। बाजार च भी असं गए, गुरु धाम से भी गए, बहुत वधिया लंगर, बहुत वधिया सत्कार करते। ननकाणा साहब, श्री पंजा साहब, सच्चा सौदा साहब, करतारपुर साहब, डेरा साहब, लाहौर, बहुत बहुत वधिया यात्रा रही, बहुत वधिया सब किया, बहुत वधिया प्रबंध सी। अमृतसर से, हाँ जी पंजा साहब, ननकाणा साहब, तो बाबा डेरा बाबा, हाँ जी तीनों अच्छा लगा। पहली बार दर्शन अवतान से बहुत अच्छा लगा। आज अमृतसर में मजीठा रोड बाईपास नाले के पास एक कपड़े से भरे ट्रक के पलटने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि ट्रक का ड्राइवर फैक्ट्री में कपड़े को पहुंचाने के लिए आया था, रास्ते में एक गड्ढा आ गया जिस कारण ड्राइवर ट्रक को काबू में न रख सका और ट्रक एक साइड में पलट गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि कॉरपोरेशन वालों ने सड़क को चौड़ा करने के लिए यह गड्ढा खोदा था, इस बार गड्ढे को जरूरत से ज्यादा ही कुछ बड़ा कर दिया गया जिस कारण ये घटना हुई। कोई भी कल भी ट्रक पलट चले आए, बाद च आए नहीं, ये बड़ी मुश्किल आ रही सर। की चाहते की होना चाहिए? ये बन जाए जल्दी तो किसी का नुकसान ना हो। जिस बिल्डिंग के नाल ट्रक जरा नाल वाजा आया, नाल पलट गया आया,
मेरा भी नुकसान होया इस नाले की वजह के नाल, तो नाले की वजह के नाल कलोनी है सारी, इतों जाते सारे कलोनी चों निकलते हैं, तो काफ़ी है बच्चे भी एक दो वारी नाले के बच्चे इतना फिसल के डिगे आ। कल ये ना हो बरसात एक दो दिन तक शुरू हो जाए, ये नाला भर गया एक ये जानी नुकसान भी हो सकता है। प्रशासन तो की अपील करते प्रशासन की अपील करनी है जी, ये तो 3 महीने हो गए अगे नहीं किसी ने कोई इधर आया, तो मेरे ख्याल मैं तो कहना कि जल्दी तो जल्दी यो ही नाला एक कवर किया जाए। मेरा नाम रोशन है जी। तो जगह है नहीं, जगह कम है, तो 5 फुट की जगह है, इधर भी खड्डा खुदा हुआ है, उधर नाला है, नाला भी टूटा हुआ है, तो दोनों तरफ से जगह है नहीं, और फैक्ट्री में माल खाली करना था, इधर घुसा रहे थे, टायर स्लिप हुआ और गाड़ी पलट गई। नुकसान तो है ही जी, केवल नुकसान जानी कोई नुकसान नहीं है। नाले बारे भाजी आज 3-4 महीने हो गए, ये टोया पुट के अगे चल गए, उस तो बाद इन्होंने कोई ये प्रोसैस नहीं किया कि इनू को किया जाए, जानी नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस आ, ये कल को वड्डी घटना वापरेगी, उस तो बाद ही वह कुछ करे, उस तो पहला प्रशासन ने कोई स्टैप नहीं लैन दिया, इन्हों चाहिए छेती तो छेती इनू किया जाए, नहीं तो कल एक बहुत व्डा हादसा होगा जिदा अज भी ये ताडे सामने पलटिया वा, तो भी अजे तक प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई नाला पट दिता, सड़क इन्नी हैगी सी, सड़क रोड की सारी जिनी सड़क उन्होंने कंडम कर दिता इन्होंने, असं उस रोकते भी रहे हैं कि ये सड़क हैगी है, ये 1973 की सड़क चलती पई है, साड़ी कोई सुनाई नहीं की गई, सड़क पट के सानू कहते कि पै बनाता पै तो तुम लंघो, आज सवेरे ट्रक लंघन लगा वो स्लिप किया तो पलट गया ट्रक, जे ट्रक ये दूजे पासे पलटता तो बंदे भी 4 मर जाने सी, तो होर भी नुकसान होना सी, चांस ला ट्रक जरा वा दूजे राइट हैंड नू पलट गया वा, उहदे करके जानी नुकसान नहीं होया, बाकी ट्रक पलटिया पिया वा, वो साडे सामने आई है हर चीज़। गल कि असी तो यही देखते पे कि जरा कॉन्ट्रैक्टर हैगा जो इतने बंदे आते उन्होंने असं कहने पे हैं कि इनू बंद करो, साडी सड़क सानू दिओ, पक्की सड़क बनी सीटा दी, और इन्होंने यार इन कहने से पंचायत इन्होंने सड़क न सही करा के बनाया से, पहलो हैगी सड़क पर पंचायत इन इटा की पक्की सड़क कराता से। जादू एक कला है और इस कला के जरिए भारत के प्रसिद्ध जादूगर सूरज सम्राट ने कल गुरदासपुर के बटाला में लोगों को अपनी कला के जरिए ये संदेश दिया कि किसी भी ढोंगी बाबा के चंगुल में न फंसे। अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे सम्राट जादूगर ने लोगों को ट्रैफिक का सही ढंग से पालन करने के संदेश के लिए एक रोड शो का आयोजन भी किया, जिसमें जादूगर सूरज सम्राट ने लोगों को अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बाजारा में मोटरसाइकिल चलाया। मैं अपना जो जादू का शो है वो 14 सालों से करता आ रहा हूँ और हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में दे चुका हूँ, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, साउथ कोरिया में शो दे चुका हूँ। मुझे रोड शो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आंखों पे पट्टियाँ बांध कर बटाला शहर की सभी सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाऊँगा। तो लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने का मेरा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को संदेश दूँगा कि आँख अपनी आँखें बंद करके या बेहोशी की हालत में इस तरह से नशा करने की हालत में यातायात का जो ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें और नशा करके कोई भी व्हीकल ना चलाएं, क्योंकि आज तक सभी खबरों में आपने पढ़ा होगा, ये खबर कभी नहीं पड़ी होगी कि अंधे आदमी का रोड एक्सीडेंट हो गया, अंधा आदमी कभी रोड एक्सीडेंट में नहीं मारा जाता क्योंकि वो मन की आंखों से देखता है, एक्सीडेंट सिर्फ होते हैं आंखों वालों के। तो इसलिए मैं अपने आप को अंधा करके मोटरसाइकिल चलाऊंगा और लोगों को मैसेज दूंगा कि आप अंधा होकर या लापरवाही से मोटरसाइकिल ना चलाएं, और कल से मेरे रोजाना शो स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे शो का भी उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं, जो समाज में फैली हुई भावनाएं हैं या साधु हैं, ढोंग हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। जादू सिर्फ एक कला है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, नज़रबंदी है।
बस। सिख धर्म के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना दिवस आज बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पवित्र दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब पर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और धार्मिक दीवान भी सजाए गए। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सिख कौम को गुरुओं द्वारा दर्शाए गए रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समुची सिख कौम आल बढ़ते सिखा श्री अकाल तख्त साहिब जी के सिरजना दिवस की बहुत बहुत वधाई होवे। श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम के सर्व उच्च स्थान है। गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नू तन मन तो समर्पित होना ही सिखी की मूल निशानी है। श्री हरिमंदर साहिब जी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश किए सिख धर्म नू एक विलक्षण होंद हस्ती वाले धर्म वजों स्थापित किया। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो उपरंत साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सतगुरु पिता पंचम पातशाह जी के आदेश के अनुसार गुरियाई की पदवी धारण की और मीरी पीरी दियां कृपाना धारण कीतियां। गुरबरास के कथन के अनुसार श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने महान उद्यम करके अकाल पुरख की आग्ञा मुताबक भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा जी नू नाल लैके हाड़वदी पंचमी नू सोमवार वाले दिन बिक्रमी संमत 1663 और 1606 ईस्वी नू श्री अकाल तख्त साहिब की नींह रखी। इस दैवी तख्त की उसारी विच किसी मिस्त्री की सहायता नहीं ली, किसी मजदूर दे कोलों इत्थे कोई कम नहीं करवाया गया, सगों हाड़ पंचमी को दिन जान श्री गुरु उद्यम कीन महान गुरदास बुढ़े को ले निज साथ तख्त आरंभ कीन दीना नाथ कर अरदास श्री सतगुरु पुन प्रसाद वरताए प्रथम नीम सिर गुर रखी अब चल तख्त सहाए किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़े आओ गुरदास बनायो। इस तो एक गल स्पष्ट है कि संस्थावां दी सिरजना विच राज मिस्त्री जां कारीगर नहीं बल्कि कौम दे बजुर्गवार ते विद्वान सहाई हुंदे ने। फिर समुची आगवल दी सिख संगत नू अज दे इस महान पवित्र दिहाड़े ते बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज अमृतसर में खालसा कॉलेज के सामने बने शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शोरूम के मालिक ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू तो पा लिया गया पर काफी हद तक सामान जल चुका था। कंट्रोलमेंट का मौके जाकर देखा तो अपनिया गड्डिया मंगाइया अपने बुझाने वास्ते अग वास्ते मेन वैसे ये शार्ट सर्कुट आ रहा है, पावर सर्कुट में अग लगी है। बाकी देखा जाऊगा जो भी होगा। नुकसान तो लखा का ही है काफ़ी। नहीं पता मैं।
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਧੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਕਦਮ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਟੋਕ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 4,000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग करने वाले जगदीश सिंह जीणा समेत 5 एसजीपीसी सदस्यों को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर आने के लिए कहा है। इस मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने कहा है कि अलग कमेटी की मांग को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसका हल निकालने के लिए उस सभा को बुलाया गया है ताकि कांग्रेस की किसी भी चाल को सफल न होने दिया जाए। तकरीबन 5 बुलाया गया हो जो मुखी ने जिस तरह जगदीश सिंह झिंडा है दीदार सिंह नलवी है ज हरपाल सिंह है जठा इस तरह के 4-5 बुलाया हो जो मुखी देखो ये तो जरा दोष लाने उन्होंने निर्मूल है। अज श्रोमणी कमेटी वालों भी ये परदा जो उन्होंने कल मीटिंग हुई उस लिखा हुआ है कि हरियाणा के गुरुद्वार 400 मुलाजम हरियाणा के ने 100 जड़े मुलाजम ने दूसरे हरियाणे के मुलाजम पंजाब के गुरुद्वारों बहुत वड्डी गिणती दे विच और जिहड़े हरियाणे विच गुरुद्वारे साहब ने यह कुछ गुरुद्वारे साहब ऐसे ने जिहड़े उत्थों दे प्रबंधकां दे मुलाजमां दे तनखाह भी पूरी नहीं कर सकते। श्रोमणी कमेटी वालों उन्हां दा सारा उपराला किया जाता है जिहड़े उत्थे बहुत सारे ऐसे अदारे चल रहे ने अदारे भी उन्होंने चलाने वास्ते श्रोमणी कमेटी इतों तक कि दरबार साहब उन्होंने सहायता के वास्ते भी काफ़ी फंड उन्होंने दे रहा है। इस करके तो कोई गल ऐसी बनती नहीं है जो कोई थोड़ा बहुत है तो प्रधान के नाल मिल के बैठ के गल कर सकते नहीं ऐसी कोई गल नहीं। देखो जिहड़ा विरोधी हुंदा उन्हें अपनी हर चाल चलनी है ये तो साडा फर्ज बनता असी उस चाल तो सुचेत रहीए जिहड़ी कांग्रेस सरकार शुरू तो लैके देश की आजादी दे विच सिखां दी कुर्बानी सब तो ज़्यादा है चाहे वह जेलों में गए ने चाहे फांसी ते लटके ने चाहे उन्होंने तोपां दे नाल उड़ाया गया बहु गिनती दे विच तकरीबन 76% केवल सिख ने जिन्हां ने आज़ादी के समय अपनियां शहीदियां दित्तियां कुरबानियां दित्तियां ने। जदों साडा देश आज़ाद होया उस समय तो ही कांग्रेस सरकार जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने देश की वागडोर संभाली उदों तो सिखां दे नाल इन्हां ने वितकरा शुरू कर दिता सिखां नूं कमजोर करन दे वास्ते इन्हां ने अपने हर मनसूबे घड़े और किन्नी ए नीवी चली गई। जदों हरिमंदर साहिब जो मनुखता दा एक ऐसा महान पवित्र स्थान है जिथे हर एक नूं आउण ते शांति मिलती है हर एक नूं लंगर मिलता है हर एक नूं रिहायश मिलती है उस हरिमंदर साहब से भी इन्होंने गोलियां की बरसात कराई। श्री अकाल तख्त जो प्रभु सत्ता का प्रतीक है स्वतंत्र है उन्हें इन्होंने ढह ढेरी किया और साड़ी जिहड़ी नौजवानी सी उन्हें खत्म करने वास्ते इन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी। आज अमृतसर के नगर निगम के कार्यालय में पंजाब नगर निगम जूनियर और ड्राइवर यूनियन की तरफ से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चरणजीत सिंह को ऑफिस में पदभार संभालने पर श्री दविंदर राजा जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जोना और चरण दास की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके उन्हें शील्ड भी दी गई और लड्डुओं से उनका मुंह भी मीठा करवाया गया। इराक में गृह युद्ध में फंसे पंजाबी युवकों में से 40 बंदी युवकों के परिजनों की सहायता के लिए जहां देश की केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं वहीं कल एसजीपीसी की ओर से 50,000 रुपये और दिल्ली कमेटी की ओर से 10,000 रुपये की सहायता राशि की ग्रांट जारी की गई है। इस संबंध में कल एसजीपीसी कार्यालय में प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने सभी परिजनों को वहां बुलाया और उन्हें चेक जारी किए और वहीं उन्होंने इस मौके हरियाणा की अलग कमेटी की मांग को सिरे से निकाल दिया और कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने 6 जुलाई को अलग कमेटी की मांग की तो वह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।
50,000 फसे सारे ने बंदी बनाए ने, वो 40 परिवार ने, 40 परिवार 20 लाख रुपया यानी 50,000 रुपया हर परिवार असी दे रहे हैं और उन्हें चेक मांग रहे हैं। लाखी की उन्होंने मीटिंग सद ली, मीटिंग सदी भी इस वास्ते सी भी जी डिसमिसल सी उन्हें कन्फर्म करने वास्ते, तो जो नवे नियुक्त होया सी उन्हें उसकी नियुक्ति कन्फर्म करने वास्ते। मैंबर उन्होंने नालों टुट गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिहड़ा फैसला यह किया गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव वाले दिन, वो 3-4 मैंबरां का ही सी फैसला, जिहड़े वो प्रधान हो गया, एक जनरल सकत्तर हो गया, एक सरना साहब हो जाएंगे, एक वालिया साहब ने, यह 3-4-5 मैंबरां ने रल के करता। लेकिन वो फैसला बोर्ड का समुचे रूप में होना चाहिए सी और विधि विधान नाल होना चाहिए सी। उन्हें कोई विधि विधान नहीं वरत्या, उन्होंने तो गुरपुरब की रात वाले दिन फैसला कर लिया और जिहदा असिस्टेंट लाया जा रहा उन्होंने दस्या जाना चाहिए सी कि असीं तुहाडा असिस्टेंट ला रहे हैं, तुहानू कुछ नहीं कह रहे सी, इन्होंने वह भी नहीं दस्या। और उत्थे आके प्रकाश पुरब वाले दिन यह काम होना ही नहीं सी चाहिए। सरोपा नियुक्तियां श्रोमणी कमेटी भी करती है, ये कहिंदे ने भई कोई कहिंदा, कदी कहिंदे ने 150 करोड़ की आमदन है, कदी कहिंदे ने 200 करोड़ की आमदन है, कभी कहते 500 करोड़ की आमदन है। पहला एक मतता हो लैन भी है कि आमदन, मैं कह लो मैं तुम दस दिना भी श्रोमणी कमेटी का बजट जब बनता है उदिया कापियां बजट दियाँ सारे मैंबर जिमें असैम्बली तो पार्लीमेंट के मैंबर जा बजटा दियाँ और उस बजट के मुताबिक श्रोमणी कमेटी श्रोमणी हरियाणा के जेडे श्रोमणी कमेटी के गुरद्वारा साहबान ने 8 वे गुरद्वरे ने सैक्शन 85 के, 17 जड़े ने वो सैक्शन 87 के ने, उन्हों की टोटल इनकम जी है साल की वो 30 करोड़ रुपया कहते जो इन्नी कहते हैं। मैं क्या मैं बजट वेख के कह रहा, मैं तो लॉजिक ना गल कर रहा, मैं कोई आप तो नहीं गिन के लिया भी किन्ने ने, जो मेरे को गिनती भी लैनी है तो मैं जबानी गिनती भी दे सकता कि गुरुद्वारे की आमदन किन्नी है, किड़े की किन्नी है, किड़े की किन्नी है। और उस तो बाद मैं 30 करोड़ आमदन, 30 करोड़ जे लोकल कमेटी के गुरुद्वारे है ना, वो सानू कोई खास आता भी नहीं, सिर्फ 7-8 गुरुद्वारे ही आता। हुण जिहड़ी अगली गल है, जिहड़ा अपना 30 जिहड़े हरियाणे दे विच 30 करोड़ रुपये नाल मुलाजमान नूं तनखाह भी देनी है, उत्थे डिवेलपमेंट के काम भी होने ने, है जी लंगर भी चलने ने, खेतीबाड़ी से खर्च भी होना है। 27 करोड़ का खर्चा है, बाकी किन्ना रह गया जी? 3 करोड़। हुण 3 करोड़ नाल ऐ कर बई, मैंने एक जीन दे विच असीं स्कूल बनाना शुरू किया है, वही वो बना के दिखा दें 2 साल। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, चलो इन्हों की मेहरबानी जी ने साड़ी सहायता की है, पर सब तो वड्डी सहायता बच्चे सही सलामत वापस ला के दिते जाए, सानू पैसे नालों अपने बच्चे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद तो दुनिया टिकी हुई थी, उम्मीद तो यह भी जल्द से जल्द बेनती भी हाँ हुई है, जे तुम सच्ची साढ़े ना तुम हमें दर्दी है, जे तुम सच सू सुखी देखना चाहते जो साढ़े बच्चे वापस लिया। इस दौरान कितने गल हो जी ताड़ी बच्चे ना कोई, जे गल हो जाती फिर दुख का है, बच्चे पंजाब मजबूरी बहुत ज्यादा, पढ़ लिख धक्के खाते तो काम कार नहीं मिलता, कोई नौकरियां नहीं मिलदियां, माड़े बंदे कुछ नहीं, कोई कुछ मसीबत नहीं होंगी, ये करके धक्के खाते बाहर नहीं निकलते, उत्थे मुसीबत वध जांदी। पंजाब के जिला जलंधर में ट्रैक्टर ट्राली ने फिर एक युवक की जान ले ली है। जलंधर के नकोदर रोड पर सुबह एक युवक अपनी एक्टिवा पर सवार होकर जा रहा था, पीछे से आती ट्रैक्टर ट्राली ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर यातायात जाम कर ट्रैक्टर को आग लगा दी।
पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज सवेरे जी इटा की ट्राली सी जी भरी अज इटा की आ रही थी, ये एक लड़का कोई 19-20 साल का करीब उम्र सी, वो दुध भी नाल लैके आ रहा दुध, तो वह इतने अज एक्सीडेंट हो गया, तो मौके के उत्ते जी मौत हो गई, वो उत्तों की ट्रैक्टर जरा टच किया तो उत्तों पहिया लंघ गया, तो मौत होने कारण जरा उन्हें इमीजिएटली मौके पर मर गया। असं आ के ट्रैक्टर ट्राली जी कब्जे ले ली, परचा कर 304 के दर्ज कर दिता, और इन्होंने जिहड़े भी ट्रैक्टर का ड्राइवर होगा उन्होंने जल्दी जल्दी अरेस्ट करांगे। ट्राली नूं अग लगाई गई है जिहड़ी उन्होंने, ये मौके दे उत्ते जिहड़ी इत्थों पब्लिक आ उन्होंने इमीजिएटली जिहड़ी ट्राली नूं अग ला दित्ती आ, इहदे विच वी जो जिहड़ी अग्गे कानूनी तौर ते जो बनदी कार्रवाई होगी करांगे। हांजी हांजी सर, हांजी सर, इत्थे अग बुझाउण आए सी सर जी ट्राली नूं, अग बुझाउण आए सीगे, उन्होंने अग बुझाउण दे उत्ते इट्टां मारनियां शुरू कर लईआं सी, वापस आपां जी वापस चले जाओ, इन्हां ने बंदे हैगे कुछ इकट्ठे होए है गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार बॉर्डर के पास बसी आबादी को पैरामिलिट्री फोर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग देने जा रही है। लोगों को ये सिखाया जाएगा कि मुश्किल वक्त में हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चीन की ओर से एक के बाद एक की जा रही गुस्ताखियों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर गंगा में फैल रहे प्रदूषण की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए पहली बार हरिद्वार में गंगा सागर तक गंगा और उसकी सहायक नदियों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। अकेले वाराणसी में ऐसे 9 स्टेशन लगाने के प्रस्ताव हैं। जानकारी के मुताबिक मॉनिटरिंग स्टेशन से गंगा जल में आने वाले बदलावों का हर सेकंड परीक्षण किया जाएगा और इन स्टेशनों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है, ताकि अलग अलग शहरों में गंगा प्रदूषण की स्थिति का मन चाहे समय में पता लगाया जा सके। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। इराक में मौसल शहर में फंसे 40 युवकों के परिजनों को SGPC और दिल्ली कमेटी ने दी 60,000 रुपए की राहत राशि। हरियाणा की अलग कमेटी की मांग करने वाले जगदीश जीना समेत 5 को श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलावा। आज अमृतसर में खालसा कॉलेज के सामने बने शोरूम में लगी आग। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मना, पाकिस्तान से लौटा 195 श्रद्धालुओं का जत्था। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।